विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सर दोबारा कर दीजिए। ट्रेनिंग हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और आज मैं याद कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत। माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को ना मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता होती है और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनके सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से